हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडेज टॉपिक इज स्किन केयर रूटीन, वीकली स्किन केयर रूटीन जो मैं वीकली यूज़ करती हूँ। और जो ये प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हैं। इवन ये हर स्किन टाइप को सूट करने वाले हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ मैं अपना वीकली स्किन केयर रूटीन कैसे करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने वीकली रूटीन के लिए। फर्स्ट जो है VLCC का क्लिनजिंग है जो मैं क्लीन अप के लिए यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। VLCC के प्रोडक्ट मेरे ऑलवेज फेवरेट हैं। मैं ऑलवेज VLCC के, इवन मैं फेशियल भी VLCC का ही कराती हूँ। जब भी मैं फेशियल कराती हूँ मैं VLCC ही फेशियल पसंद करती हूँ। सेकेंड जो है वो है अरोमा का हल्दी चंदन स्क्रब। चंदन के बारे में तो आपको पता ही है कि चंदन हमारी स्किन के लिए बहुत ठंडक, हमें ठंडक देता है। चंदन से जो हमारे ओपन पोर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाते हैं, और स्क्रब का तो बहुत ही फायदा है हमारी स्किन के लिए। थर्ड इज मून स्टार चारकोल मास्क। चारकोल मास्क मेरा फेवरेट है। ये जो चारकोल मास्क है ये बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। मैं आपको इन सब के बेनिफिट्स आपको साथ साथ बताती रहूंगी। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जो नेक एरिया है अच्छे से कवर कर लें ताकि कुछ भी प्रोडक्ट हमारे कपड़ों पर ना जाए। और अपना फेस जो है नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लें। अगर आपने कुछ क्रीम या कुछ लोशन या कुछ मॉइस्चराइजर लगाया तो उसको अच्छे से क्लीन कर लें। मैंने इस टाइम अपना फेस नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लिया है। इस टाइम मेरे फेस पर कुछ भी मेकअप नहीं है, ओनली लिपस्टिक के अलावा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग से, यानी क्लीन अप से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज कर रही हूँ VLCC का क्लिनजर। आपको अपने फेस और नेक के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट लेना है। अब मैं इसमें वाटर की जगह पर गुलाब जल यूज कर रही हूँ। आप नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको गुलाब जल ही यूज करना है। अच्छे से मिक्स करना है और अपनी फिंगर टिप्स के साथ क्लींजिंग करनी है आपको। क्लींजिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इन प्रोडक्ट्स को करने के बाद मुझे फेशियल की रिक्वायरमेंट मुझे कभी फील ही नहीं हुई। मैं कभी बहुत कम फेशियल कराती हूँ। इवन मैं फेशियल भी खुद ही करती हूँ, मुझे पार्लर से फेशियल कराने में इतना ग्लोइंग स्किन नहीं दिखाई देती जितना मैं खुद जब अपना फेशियल करती हूँ। मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अपना नेक एरिया भी कवर कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं नेक से। अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नेक भी अच्छे से क्लीन करनी है। ये हो रही है हमारी क्लींजिंग। आप सबको पता ही है क्लींजिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा डर्ट एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करती है। आप यहाँ पर आईज एरिया भी कवर कर सकते हैं। क्लींजिंग को थोड़ा ही टाइम देना है हमने। नेक एरिया मैं कवर कर चुकी हूँ। ये ऑलमोस्ट मेरी क्लींजिंग जो है वो हो चुकी है। एक्स्ट्रा ऑयल एक्स्ट्रा डर्ट रिमूव हो चुकी है। अब मैं नॉर्मल वाटर से अपना फेस जो है वो क्लीन कर लूँगी। यहाँ मैंने अपना फेस जो है वो नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लिया है। अब है स्क्रब। सेकेंड स्टेप इज स्क्रब। स्क्रब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लीन अप में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इस क्लीन अप का टाइमिंग है वो फेशियल की हाफ टाइम के हिसाब से लगा लो आप। हाफ टाइम लगता है इसको करने में। अब मैंने इसमें ऐड किया है रोज वाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे। नेक एरिया भी कवर करना है आपको स्क्रब में भी। जो स्क्रब है ये बहुत अच्छा है। हल्दी चंदन स्क्रब है। जो मैंने क्लींजिंग यूज की है वो भी हल्दी चंदन से ही बना है।
इसमें आपको आइज को अवॉइड करना है, सिर्फ आपको सी जोन, ये जो हमारा ये है सी जोन, ये है टी जोन, सी जोन और टी जोन कवर करना है आपको स्क्रब में। इस क्लीन अप को करने के बाद मैं बहुत कम फेशियल कराती हूँ, मैं सिर्फ ओकेजनली ही फेशियल कराती हूँ, लाइक करवा चौथ या किसी अदर फैमिली फंक्शंस में ही कराती हूँ, वो भी मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता बाहर से फेशियल कराना, क्योंकि ज़्यादा जब मैं खुद फेशियल करती हूँ आई थिंक ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। बट मैं ये नहीं कहती कि आप फेशियल ना कराएं, आप बाहर से फेशियल ना कराएं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। सबका अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी चॉइस है। आपको स्क्रब बहुत सॉफ्टली हाथों से करना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड यूज नहीं करने, फिंगर्स यूज करनी है। स्क्रबिंग भी ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है, अब इसे भी हम नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेंगे और थर्ड स्टेप हम यूज करेंगे। आप क्लींजर और स्क्रब के बाद मेरे फेस पर शाइन ग्लो देख सकते हैं। अब जो लास्ट स्टेप है वो है मून स्टार चारकोल मास्क, ये मेरा फेवरेट है, ऑलवेज फेवरेट है, मैं ऑलवेज यूज करती रहती हूँ इसे। अभी मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्वांटिटी। अब मैं इसे लगा कर दिखाती हूँ, ज्यादा मोटा नहीं लगाना है इसे। आईज एरिया अवॉइड करना है, साइड छोड़ दें क्योंकि यहां पर हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं, जब हम इसे रिमूव करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आप साइड्स अवॉइड करें। अब देख सकते हैं मैंने ये फेस मास्क अप्लाई कर लिया है, आफ्टर 20 मिनट्स मैं इसे रिमूव कर दूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे रिमूव करना है। आफ्टर 20 मिनट्स आप देख सकते हैं ये बहुत ड्राई हो चुका है, अब मैं इसे रिमूव करूंगी। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी कि इसे रिमूव करते हुए पेन नहीं होता, पेन होता है बट हल्का होता है, जैसे हम थ्रेडिंग या वैक्स कराते हुए जो हमें पेन होता है उस टाइप का पेन फील होगा आपको, ज़्यादा नहीं होगा कि आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हल्का सा पेन होगा आपको। आपको रिमूव करना है अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से, थोड़ा सा आप मेरे फेस के इम्प्रेशन देखकर समझ ही गए होंगे कि कितना पेन हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप टॉलरेट कर सकते हैं इस पेन को। अभी मैं आपको अच्छे से क्लीन करके दी, मैंने अपना जो फेस मास्क था वो रिमूव कर लिया है और एंड में मैंने यूज किया है रोज वाटर। अब अपना नॉर्मली कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं। थैंक यू, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।